हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर बॉर्डर पर तैनात जवान की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत। भारत पाक मुनाबाव बॉर्डर पर तैनात जवान की अचानक तबीयत खराब होने से इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर गडरा रोड पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाकर बीएसएफ के अधिकारियों को सौंप दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हार्ट अटैक से जवान की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस के अनुसार नासिक महाराष्ट्र निवासी रंगनाथ वामन उम्र 44 बाड़मेर मुनाबाव बॉर्डर पर तैनात था। जवान गुरुवार रात मुनाबाव में खाना खाने के बाद बेचैन होने लगा तो सैन्य अस्पताल ले जाया गया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर गडरा रोड में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां पर इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। गडरा रोड थाना पुलिस ने जवान के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। गडरा रोड थाना एएसआई तामल राम ने बताया कि मुनाबाव चौकी में तैनात जवान की तबीयत बिगड़ी थी। इलाज के लिए साथी जवान उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इलाज के दौरान जवान की मौत हुई है। बीएसएफ की ओर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मर्ग की कार्रवाई कर पुलिस ने शव बीएसएफ को सुपुर्द कर दिया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए एएसआई तामल राम गडरा रोड थाना, इन्होंने ये कहा। किस तरह की सूचना मिली थी और क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई? गडरा थाने में दरी कंट्रोल रूम के सूचना मिली थी कि बीएसएफ का मुनाबा पोस्ट का जवान है रात को बीमार हो जाने से इलाज हेतु लेके गए थे बाढ़ में, जिसकी मृत्यु हो गई है। जिस संबंध में यहाँ बाढ़ में रफ्तार आए अवनीश कुमार अविनाश कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट पेश किया कि जवान इस प्रकार से रंगनाथ बामन कुमार जो 39 साल पे तैनात था, ड्यूटी के दौरान उसने बेचैनी महसूस की, जिसे रियर में अस्पताल लेके गए। वहाँ से कटरा अस्पताल आए, जहाँ से डॉक्टरों से प्राथमिक उपचार लेकर के बाड़मेर आए। बाड़मेर आने पर उसको डॉक्टरों ने चेक किया तो पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है? 170 मृत की कार्रवाई रिपोर्ट ली है और इंदा से बात की है। ऐसा नहीं खराब जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकड़ा राम मेघवाल की रिपोर्ट।